गुड इवनिंग बच्चों आई होप अब सारे सेटिंग सही हैं सो so, इस सेशन को अब शुरू करते हैं सेशन को शेयर कर दो बिकॉज़ uh, पिछले सेशन में प्रॉब्लम हो गया था तो शायद बच्चे लीव कर चुके होंगे सेशन को थोड़ा सा मैं वेट कर लेती हूँ उसके बाद इस सेशन को शुरू करेंगे बिकॉज ड्यू टू सर्टन टेक्निकल इश्यूज लेट हो गया था और शायद बच्चे लीव कर चुके हैं तो सेशन को शेयर करो तो जल्दी से जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो कि अब सारा प्रॉब्लम सही हो चुका है और अब आप सेशन के साथ जुड़ सकते हो एक बार जल्दी से गुड इवनिंग लिखो चैट सेक्शन में सो so दैट मैं आ, इस पर्टिकुलर सेशन को शुरू कर सकूं गुड इवनिंग एवरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग शैल गुड इवनिंग रवि गुड इवनिंग गुड इवनिंग शेयर कर दो बच्चों क्योंकि शायद बच्चों को लगा होगा कि मेबी सेटिंग्स गड़बड़ा गए हैं तो वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे होंगे मे बी शायद पिछले सेशन में जाकर के चेकआउट कर रहे होंगे तो इस सेशन को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ठीक है बस चालू करते हैं सेशन को तब तक आप लोग शेयर करते रहो सेशन को सो दैट मैक्सिमम बच्चे जुड़ जाए चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम ऑलरेडी लेट हो चुका है पहले क्वेश्चन पर आते हैं पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं विच इज ट्रू अबाउट बाजरा बाजरा के बारे में इनमें से कौन सा पॉइंट बिल्कुल सही है पहला है हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड दूसरा है प्रोटोगाइनी तीसरा है पॉलिनेशन इज एडेड बाय विंड एड का मतलब होता है हेल्प याद रखना एडेड बाय विंड और लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी अब एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़ो इनमें से कौन सा पॉइंट बाजरा से रिलेटेड सही पॉइंट है गुड इवनिंग रत्ना गुड इवनिंग एवरीवन क्वेश्चन नंबर वन इट्स एन इजी क्वेश्चन तो जल्दी से आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे यस व्हिच इज ट्रू अबाउट बाजरा आसान सा क्वेश्चन हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड प्रोटोगाइनी पॉलिनेशन इज एडेड बाय विंड एंड ऑल ऑफ दी अबव सो वेरी राइट द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर डी होगा बिकॉज़ पहले तीनों पॉइंट्स बाजरा से रिलेटेड एकदम सही हैं हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड भी होता है इसमें प्रोटोगाइनी नाम का प्रोसेस देखने को मिलता है प्रोटोगाइनी कई बार मैंने समझाया है जहां पर फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर से पहले मेचोर हो जाता है इसके बाद पॉलिनेशन इन में किस चीज की मदद से होता है तो विंड की मदद से जैसा कि आप जानते भी हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन में किसी ना किसी एजेंट की सहायता लेनी ही पड़ती है और वो एजेंट यहां पर कौन सा है तो विंड चलिए क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पहला क्वेश्चन आसान था इसके बाद के क्वेश्चन काफी अच्छे हैं तो जुड़े रहना सेशन के साथ और सभी लोगों को शेयर भी करते चलो सेशन को क्वेश्चन में पूछा गया इज ट्रू अबाउट बार्ले इनमें से कौन सा पॉइंट है जो बार्ले से रिलेटेड बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन है बार्ले फ्लोर फ्लोर मतलब आटा होता है ध्यान रखना बार्ले फ्लोर कंटेन ग्लूटेन दूसरा है बार्ले फ्लोर कंटेन नो ग्लूटेन तीसरा है क्रोमोजोम नंबर इज 16 और लास्ट है ऑल ऑफ दी अबव तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग चैट सेक्शन में बताएं मुझे कि इनमें से कौन सा पॉइंट बार्ले से रिलेटेड बिल्कुल करेक्ट है पहला ऑप्शन पढ़ लीजिए बार्ले के आटे में ग्लूटेन होता है दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बार्ले के आटे में ग्लूटेन नहीं होता है तीसरा ऑप्शन क्रोमोसोम नंबर सोलह है और लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दी अब क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर बताएंगे यस yes. आसान सा क्वेश्चन है जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ यस वेरी गुड गुड बिल्कुल करेक्ट बार्ले एक ऐसा सीरियल है ध्यान रखना जिसमें कि ग्लूटेन एपसेंट होता है वीट गेहूं में ग्लूटेन डेफिनेटली प्रेजेंट होता है बट बार्ले के आटे में ग्लूटेन इज एप्सेंट सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और जहां तक इसकी बात हुई कि क्रोमोजोम नंबर में ऑप्शन नंबर सिक्सटीन आई मीन सी में सिक्सटीन दिया है तो आपको बता दूं कि बार्ले का क्रोमोजोम नंबर तो चौदह होता है सी ऑप्शन डेफिनेटली इनकरेक्ट। यस क्वेश्चन टू का करेंगे कोई चीज नहीं होती है लेकिन वीट यानी गेहूं के आटे में डेफिनेटली यह चीज प्रेजेंट होती है क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़ो अच्छा क्वेश्चन है पढ़िएगा एक बार धूरेन कंटेंट इज मैक्सिम इन विच पार्ट ऑफ सोरगम के किस हिस्से में धूरिन का परसेंटेज का मैक्सिमम होता है। धुरिन जिसे आप HCN या फिर एसिड के नाम से के के पॉइजनिंग भी, भी होती है लीफ रूट स्टेम या फिर नीव क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर चैट में कमेंट करके बताएंगे गुड वेरी गुड लिखते भी जाओ क्वेश्चंस को क्योंकि ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं पर काम आएगा क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर बताइएगा यस वेरी गुड गुड अभिषेक सही है रेशम आप भी सही बता रहे हो तो आपको बता दूं कि धूरिन जिसे HCN या प्रसिक एसिड भी बोलते हैं इसका मैक्सिमम कंसेंट्रेशन लीफ में होता है लीफ के बाद सबसे ज्यादा ये प्रेजेंट होता है स्टेम में और स्टेम के बाद सबसे कम मात्रा इसकी होती है रूट में तो ये ऑर्डर भी याद रख लो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है सबसे ज्यादा लीफ में फॉलोड बाई स्टेम फॉलोड बाई रूट तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर दैट इज लीफ लीफ के बाद स्टेम एंड स्टेम के बाद रूट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को नहीं तो फिर गलत कर बैठोगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है किंग ऑफ कोर्स सीरियल इज इनमें से किसे कोर्स सीरियल का किंग माना जाता है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले एक चीज ध्यान से सुनना कोर सीरियल का मतलब हमें समझ नहीं आता है ऐसे सीरियल्स कोर सीरियल्स बोला जाता है तो किंग ऑफ कोर सीरियल किसे माना जाता है बाजरा सोरगम रागी या अबव। अगर आपसे पूछा गया होता किंग ऑफ सीरियल तब इस केस में आंसर हो जाता वीट अगर आपसे पूछा गया होता क्वीन ऑफ सीरियल में आंसर हो जाता मेज लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है किंग ऑफ कोर्स सीरियल यस बिल्कुल सही करेक्ट आंसर ही दे रहे हैं मैक्सिमम बच्चे सो किंग ऑफ कोर्स सीरियल बच्चों होता है सोरगम सोरगम दैट इज ज्वार सो किंग ऑफ कोर सीरियल ये एक नया क्वेश्चन हो सकता है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए किंग ऑफ सीरियल क्वीन ऑफ सीरियल हमें ऑलरेडी पता होता है कोर सीरियल ऐसे cereals होते हैं जिनको डाइजेस्ट कर पाने में टाइम ज्यादा लगता है जनरली चलिए नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर सोरगम विथ स्वीट एंड जूसी स्टेम आर नोन एज ऐसा सोरगम का स्पीशीज जिसका स्टेम जूसी हो और साथ ही साथ मीठा भी हो क्या कहलाता है ब्रूमकॉर्न स्वर्गो बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दी अब चलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और सेशन को शेयर करते चलो लाइक like करते चलो जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को बताइए स्वीट जूसी स्टेम इज नोन एज यस वेरी गुड सही आंसर बता रहे हैं मैक्सिमम बच्चे लिखना जरूर इन सारे क्वेश्चंस को बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखोगे री गुड गुड सही आंसर दे रहे हो क्वेश्चन का बोलते हैं ऐसे सोरगम को इट इज नोन एज सोर घो इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सोरगम से रिलेटेड था ध्यान में रखना किंग ऑफ कोर्स सीरियल भी हम सोरगम को ही कहते हैं टोटल आज के सेशन में पंद्रह क्वेश्चन होने वाले हैं सेशन के साथ जुड़े जरूर रहोगे क्वेश्चन नंबर सिक्स पूसा तेजस इनमें से किसकी वैरायटी है वीट राइस मेज या ऑल ऑफ क्लास में भी कई सारे क्लासेस uh, में मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस किया है कि पूसा तेजस इनमें से किसकी वैरायटी है वीट राइस मेज या ऑल ऑफ दी अब कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर कमेंट करके मुझे बताएंगे एंड आई होप आप सभी बच्चे इसको सही ही बताओगे अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा yes, क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर गूगल गूगल करके आंसर्स मत दिया करो बिकॉज़ फाइनल एग्जाम में तुम्हारे पास नहीं wheat, और ध्यान रखना कि ये वीट की है। कैसी वैरायटी है इट इज अटीफाइड वराइटी बायोफोर्टिफाइड वराइटी ऐसी वराइटीज होती है जिनमें किसी न्यूट्रिय को हम एड ऑन करते हैं जो naturally उस particular crop में absent होता है। I hope आप सभी बच्चे समझ हैं हैं। कि कि मैंने क्या कहा है। है। के के बारे में। yes, पूसा तेजस वीट की है। साथ साथ ही याद रख लेना कि वीट के अलग अलग होते हैं। आप सभी बच्चे जानते भी होंगे तो ये जो पूसा तेजस नाम की वराइटी है ये डुरम वीट की वराइटी है इट इज अ वाइटी ऑफ डुरम वीट सो ये भी आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पर पूसा तेजस आंसर हमारे पास है वीट की वराइटी है किस वीट की वराइटी है तो डुरम वीट की वराइटी है नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो क्वेश्चन नंबर पूसा उजाला इज अ नॉन ऑफ या दी अब तेजस डन बायो फोर्टिफाइड वरायटी डुरम की वराइटी है ध्यान रखोगे अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूसा उजाला इनमें से किसकी वरायटी है वीट राइस मेज या नॉन ऑफ दी अब सेवेंथ का आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर बताइएगा जल्दी से सभी बच्चे यस लोकेश वेरी गुड पूरा आंसर करो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर मुझे आप सभी से चाहिए वेरी गुड वेरी गुड अगर आप गूगल करके आंसर नहीं बता रहे देन दैट्स वेरी गुड अगर गूगल करके बता रहे हो तो सुधरो क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे पास गूगल नहीं होने वाला है यस yes. पूसा उजाला और इससे पहले आपने पढ़ा पूसा तेजस ये भी वीट की ही वैरायटी है बच्चों और ये भी कैसी वैरायटी है तो इट इज बायो अड वैरायटी साथ ही साथ की कुछ और वैरायटीज के भी नाम याद रख लो जैसे कि डब्ल्यू बी जीरो टू और इसके अलावा वीट की एक और बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है विच इज एच पी बी डब्ल्यू जीरो वन सो हमें मिल गया पूसा उजाला मिल गया डब्लू बी जीरो टू एंड एच पी बी डब्ल्यू जीरो गुड चलिए तो चार हमने कुल मिला के, वीट की वाली पढ़ ली अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पर बहुत नया क्वेश्चन आप जितनी भी बुक्स पढ़ते हो कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ बुक्स उसमें डेफिनेटली ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है क्वेश्चन पूछा क्या गया है फूले महाशक्ति इज अ वाइटी ऑफ आपको फिर से बताते चलो कि जो फूले महाशक्ति है

डायरेक्टली आंसर देख करके बता दिया था ऐसा नहीं होना चाहिए फूले महाशक्ति यस डेफिनेटली इट इज अ ऑफ बाजरा इसके अलावा एक और है बाजरा की जिसका नाम है पूसा मोती ध्यान रखना मैंने पूसा मोती के बारे में ये नहीं बताया है आपको कि बायोफोर्टिफाइड है या नॉन बायो फोर्टिफाइड सिर्फ ध्यान रख लेना कि पूसा मोती इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ बाजरा फाइन चलिए आई होप आप सभी को मैं सही बता रही हूँ कि गलत बता रही हूँ एक बार देख करके बताना क्या पूसा मोती बाजरा की वैरायटी है या फिर बारले की तो नहीं है ये भी बता देना जल्दी से चलिए तब तक मैं आ जाती हूँ क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पर क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में क्या पूछा गया है आई आई डब्ल्यू बी आर इनमें से कहां पर है आई आई डब्ल्यू बी आर इज सिचुएटेड एट फुल फॉर्म इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च कहां पर है करनाल हैदराबाद दिल्ली या फिर नॉन ऑफ दी अबव हां लोकेश यस yes. जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे कि बताइए इसमें से आई किस जगह पर सिचुएटेड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च चित्रांशु भी जुड़ा है गुड वेरी गुड वेरी गुड तो बिल्कुल सही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च सिचुएटेड एट करनाल ध्यान में रखना और इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से जो वीट की वराइटीज निकलती हैं इनके नाम के आगे आपको अक्सर डी देखने को मिलेगा क्या नाम देखने को मिलेगा डीबी ये चीज भी ध्यान रखना बिकॉज ये एक साल का क्वेश्चन रह चुका है आई के भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं पर IIWBR कहां पर है तो हैदराबाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ फोर जीरो बताओ चलो मैं वेट कर रही हूँ आंसर बताओगे जल्दी से मैक्स फोर जीरो टू एट इनमें से किसकी वैरायटी है क्वेश्चन नंबर टेंथ पर हम लोग आ चुके हैं पांच और क्वेश्चंस बनाएंगे सेशन के साथ जुड़े रहो लीव मत करो सेशन को कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर एंड करना सेशन को कुछ बच्चे राइस बोल रहे हैं मैक्स फोर जीरो टू एट का गलत बता रहे हैं आप लोग यस वेरी गुड निधि गुड गुड रंजीत आपने भी सही बताया है सेशन को लाइक like करने में बहुत कमी करते हो तुम लोग और सेशन को शेयर करने में भी बहुत ज्यादा कमी हो रही है तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो भाई लाइक like करने में क्या ही लगता है तुम्हारा यस वेरी गुड तो बता दूं कि मैक्स फोर जीरो टू एट इज ऑल्सो अ वराइटी ऑफ वीट तो देख लो हमने आज कितनी सारी वराइटी सीखी है वीट की एंड मैं डेफिनेटली आपको बता रही हूँ कि ये जो सेशन है ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है

इंद्रावती इनमें से किसकी वैरायटी है इलेवेंथ क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं रागी राइस बाजरा और शायद लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दी अब था यस yes. इंद्रावती इनमें से किसकी वैरायटी है इलेवेंथ का आंसर चाहिए मुझे चलिए इतना भी इन दे दें आई डोंट नो आप लोग क्यों आंसर कर रहे हो ये इंद्रावती जो है ये मैं बात कर रही हूं बायो फोर्टिफाइड वराइटी की शायद ये हिंट देने पर आपका आंसर जो आ रहा है राइस वो चेंज हो जाए इंद्रावती किसकी फोर्टिफाइड वैरायटी अब बताओ इसका करेक्ट आंसर सब बच्चे गलत आंसर देते हुए नजर आ रहे हैं मैक्सिमम बच्चों ने गलत आंसर दिया है मुक्तेश्वर ने शायद सही आंसर दिया है इसके अलावा तो मैक्सिमम लोग गलत आंसर दे चुके हैं यस yes, पुष्पेंद्र वेरी गुड रवि आप भी गलत बता रहे हैं मैं बता देती हूँ चलिए आंसर को इंद्रावती जो है इट इज अ फोर्टिफाइड वरायटी ऑफ रागी ये रागी की बायो फोर्टिफाइड वरायटी है ध्यान रखना और ये जो मैं आपको वराइटीज पढ़ा रही हूँ ये बहुत ही रिसेंटली रिलीज बायोफोर्टीफाइड वरायटीज में है ध्यान रखिएगा तो इसका नोट्स मेकिंग हो ही जाना चाहिए इसके अलावा रागी में एक और वैरायटी सीरीज होती है जिसको कहते हैं इंडाफ सीरीज ऑफ रागी वैरायटी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडाफ सीरीज ऑफ वैरायटी किस क्रॉप की वैरायटी है तो रागी की वैरायटी है और इसका नाम ऐसा क्यों है बिकॉज ये जो वैरायटीज है ये हमने बनाया है इंडियन वराइटीज और अफ्रीकन वराइटीज को क्रॉस करके इसीलिए इंडाफ सीरीज सोचो ये सारे क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले हर एग्जाम के लिए इंद्रावती इट इज अ वाइटी ऑफ रागी चलिए क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ का करेक्ट आंसर जो भी सी बता रहे हैं आप लोग इनकरेक्ट हो वो ए होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अच्छा क्वेश्चन पढ़ो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ श्री नीलिमा इज अ अयोफोर्टिफाइड वरायटी ऑफ श्री नीलिमा इनमें से किसकी बायोफोर्टिफाइड वरायटी है इस तरह के क्वेश्चंस आई एम वेरी श्योर आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा इसलिए प्लीज 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 ये सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो डेफिनेटली uh, जो ऑफिशियल साइट्स हैं जो ऑफिशियल ऑथेंटिक बुक्स हैं उसमें बिल्कुल मिल जाएगा बट इस तरह का कंपाइलेशन ऑफ एमसीक्यूज आपको शायद ही कहीं पर देखने को मिले सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको नोट डाउन करते चलो यस yes. क्वेश्चन नंबर श्री इनमें से किसकी ग्रेटर याम, लेसर याम, वाई या और आंसर गलत आ रहा है, नहीं करेक्ट नहीं, नहीं. Yes, हो बाकी सब गलत आंसर देते हुए नजर आ रहे अभी तक जितने लोगों के आंसर्स मुझे दिख रहे हैं श्री नीलिमा इनमें से किसकी बायोफोर्टिफाइड वराइटी है 12th पर हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ यस वेरी गुड योशिका रेणुका तुम भी सही बता रहे हो श्री नीलिमा इनमें से किसकी वैरायटी है तो ध्यान रखिएगा श्री नीलिमा इज अ वैरायटी ऑफ ग्रेटर याम और ग्रेटर याम जिसका साइंटिफिक नेम भी आपको आना चाहिए इट इज डायस कोरिया अलाटा डायस कोरिया अलाटा एक बार जिन भी बैचेस में याम कंप्लीट हो चुका है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि क्या मैंने सही बोला है साइंटिफिक नाम ऑफ ग्रेटर याम प्रांजल कमेंट करके बताओ ग्रेटर याम डायस्कोरिया अलाटा ही है या फिर इसका स्पीशीज कुछ और है जल्दी से वैसे श्री निलिमा जो है इट्स अ वैरायटी ऑफ ग्रेटर यस हाँ लोकेश ये सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करो बच्चों यस डायस्कोरिया वेरी गुड सो किसकी वैरायटी है ग्रेटर याम की ग्रेटर याम का साथ ही साथ हमने साइंटिफिक नाम भी याद कर लिया इट इज डायस्कोरिया अलाटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टींथ स्वर्ण यामिनी इज अ वी ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्टीन स्वर्ण यामिनी इनमें से किसकी वैरायटी ऑल ऑफ यू जो कि जे आर एफ हॉर्टिकल्चर के ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है this is going to be very important. क्या पूछा है मैंने स्वर्ण यामिनी इनमें से किसकी वैरायटी है बिटर गर्ड पी अनियन और नन ऑफ दी अब हाँ अमन वेरी गुड स्वर्ण यामिनी इनमें से किसकी वैरायटी है yes. हॉटिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो मुझे यस दीपाली करेक्ट तो आपको बता दो इज अ वाइटी ऑफ बिटरगर्ड बिटर गर्ड यानी कि करेला और जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता दे रही हूँ द साइंटिफिक नेम ऑफ बिटरगर्ड इज मोमिका शरानशिया मोमोर्डिका शरान्टिया या शरानशिया आप जैसा पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं हाँ क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन नंबर थर्टीन का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन स्वर्ण पोषण से किसकी वैरायटी है लीमा बीन इंडियन बीन या दी अब स्वर्ण पोषण इनमें से किसकी वैरायटी है स्वर्ण यामिनी तो हमने देख लिया बिटरगर्ट की वैरायटी अब यहां पर पूछा गया है स्वर्ण पोषण इनमें से किसकी वरायटी है ऑप्शन नंबर वन फ्रेंच बीन लीमा बीन इंडियन बीन या फिर नन ऑफ दी अब करन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं किस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो आप करण प्रकाश yes. गलत है आपका आंसर फोर्टीन क्वेश्चन का करेक्ट कर लो उसको यस yes, लोकेश सही हो आप भी बिल्कुल करेक्ट हो वेरी गुड गुड आशीष पटेल गलत बता रहे हैं आप भी रवि आप भी गलत हो चलिए मैं आपको इसका पर्टिकुलर करेक्ट आंसर बता देती हूँ स्वर्ण पोषण क्या बता रहे हैं गलत तुम भी गलत बता रहे हो स्वर्ण पोषण जो है ये लीमा बीन की वैरायटी है लीमा बीन जिसका साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए ये है फेसियोलस लूनाटस फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ स्वर्ण यामिनी बिटरगर्ड इसके बाद स्वर्ण पोषण लीमा बीन अल्पना किस क्वेश्चन का बी बता रहे हो श्रुति आप भी क्वेश्चन नंबर के साइड में लिखा करो ऑप्शन नंबर सो दैट मुझे भी क्लियर है आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो सो स्वर्ण पोषण इज अ वैरायटी ऑफ लीमा बीन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बायोफोर्टीफाइड वराइटी ऑफ पोटाटो इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन मैं पूरी कोशिश करूंगी

और उसके बाद इसी के साथ हम लोग सेशन को एंड करेंगे जल्दी मैं इकोनॉमिक्स के भी एमसीक्यू सेशंस लेकर आऊंगी बिकॉज मैक्सिमम बच्चों को वो टफ लगता है एंड आई एम श्योर कि वो एमसीक्यू सेशन आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद होगा जितने भी आपके मिसकॉन्सेप्शन रिलेटेड टू तो इकोनॉमिक्स वो सब क्लियर हो जाएंगे विद सेशन यस वेरी गुड फिफ्टींथ का बी बता रहे हो गलत बायोफोर्टिफाइड वेराइटी ऑफ आलू पूछा गया है चलिए आंसर मैं ही बता देती हूँ कुफरी माने आप में से जो भी बच्चे कुफरी फ्राई सोना कुफरी चिप सोना कुफरी बोल रहे हो बायो फोर्टिफाइड नहीं है भाई वो ये दोनों तो प्रोसेसिंग वैरायटी है प्रोसेसिंग मतलब एक से चिप्स बनता है एक से फ्रेंच फ्राइज बनाने में काफी ज्यादा मदद मिलती है सो प्रोसेसिंग वराइटीज है ये चलिए सो दैट मीज ऑल अबाउट टूडे सेशन सेशन को शेयर कर दें उन बच्चों के साथ जिन्हें जनरली लाइव क्लास ढूंढ पाने में बड़ी दिक्कत महसूस होती है उनके साथ जरूर सेशन uh, को शेयर कर देंगे चलिए गुड नाइट एवरी वन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टिल देन मन लगा के पढ़िए थैंक यू सो मच